आगे की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 15, कंप्लीट द लूप एज पर पैटर्न, यानी कि यहाँ पर हमें लूप कंप्लीट करना है, यहाँ पर एंड तक हमें लूप बनाना है। लेकिन कैसे? जैसे पैटर्न आगे बढ़ती हो उस तरीके से, यानी कि जितने जितने का गैप हो उस गैप को कंटिन्यू करके हमें ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। ज़ीरो है, उससे लूप कहाँ पर एंड हुआ? 3 पर, यानी कि 0 + 3, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? प्लस थ्री का एडिशन किया, यानी कि 0 से आए वो लोग 3 पर। अब 3 + 3 तो क्या होगा? 6, 6 + 3 9, 9 + 3 तो कहाँ पर आएगा? 12 पर, 12 + 3 15, 15 + 3 करना है तो कितने हो गए? 18, 18 + 3 क्या होगा? 21, 21 + 3 तो कहाँ पर आएगा? 24 पर। यानी कि यहाँ पर हमें लूप कैसे कंप्लीट करना है? जो भी लूप है उसे स्टार्ट जहाँ से करे उससे +3 एडिशन करके जो नंबर आए उस पर लूप कंप्लीट करना होगा। तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। तो ये हमारा लूप की पैटर्न कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट द मिसिंग नंबर, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा? जो भी नंबर मिसिंग है उस नंबर को यहाँ पर लिखना होगा। फर्स्ट क्या है? 30, और यहाँ पर लिखा है +3, इसका मतलब क्या हुआ? 30 + 3 तो यहाँ पर क्या आएगा? 33 + 3 तो यहाँ पर क्या आएगा? 36। अब क्या करना होगा? 36 + 3 का एडिशन करना होगा तो क्या आंसर आएगा हमारा? 39, 39 + 3 तो क्या आंसर आएगा? 42 + 3 45, वो तो हमें दिया हुआ है। 45 + 3 तो क्या आएगा? 48 अगेन +3 तो क्या आएगा? 51। तो यहाँ पर हमने क्या किया? +3 का एडिशन किया, 30 + 3 यानी कि 31, 32, 33। अब 33 था उसमें अगेन +3 किया तो क्या हुआ? 34, 35, 36 वो तो हमें दिया हुआ था। देन क्या किया? 36 + 3 39, 39 + 3 42, 42 + 3 45, 45 + 3 48, 48 + 3 यानी कि 49, 50, 51 एंड देन +3 करके यहाँ पर 54 तो दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट, उसमें क्या करना है? यहाँ पर दिया है 60, यहाँ पर दिया है 69 और हमें बीच में 2 स्पेस दी गई है, यानी कि 60 + 3 करेंगे तो क्या होगा? 63 + 3 तो होगा 66 और यहाँ पर 69 तो हमें दिया हुआ है। 69 + 3 यानी कि क्या होगा? 70, 71, 72 तो यहाँ पर आएगा 72 + 3 यहाँ पर आ जाएगा 75 + 3 78 + 3 81 + 3 84 + 3 87 + 3 90 + 3 यहाँ पर क्या आएगा? 93 तो यहाँ पर हमने क्या किया? +3 का एडिशन करके हमने यहाँ पर हमारी पैटर्न कंप्लीट की। अब क्या आता है? हमारी आती है एक्टिविटी। टीचर विल टेल द स्टूडेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन विच पैटर्न कैन बी सीन।
यानी कि ये एक्टिविटी आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रही है तो उसमें पैटर्न में क्या क्या है वो उसके देखना है और उसका आपको लिस्ट बनाना है। टीचर विल टीच द स्टूडेंट टू मेक अ डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मैथ स्टिक, बीड, टैमरिंड सीड, मार्बल, कलर, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल इटीसी। यानी कि यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगी, यहाँ पर लिखा है मैथ स्टिक, मैथ स्टिक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप लोग पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं या फिर न्यू पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स रख लो, इतने सारे बॉक्स है आप अपने पास, यहाँ पर वन मैथ स्टिक रखी, यहाँ पर टू मैथ स्टिक रख के दूसरी पैटर्न हुई, बाद में यहाँ पर पैटर्न कैसे कंटिन्यू की है, वन टू, तो अब थ्री मैथ स्टिक रखनी होगी, बाद में फोर मैथ स्टिक रखनी होगी एंड लास्ट में फाइव। तो ये हमारी पैटर्न होती है कंप्लीट। वैसे ही आप लोग बीड से टैमरिंड यानी कि इमली के जो सीड होते हैं उनका यूज़ करके भी ऐसी डिफरेंट टाइप की पैटर्न बना सकते हो, कलर से भी बना सकते हो, आपके आसपास फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, उससे भी आप लोग ये पैटर्न बना सकते हैं। टीचर विल टीच द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ रंगोली इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ देयर हाउस एंड इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। ये एक्टिविटी आपको अब अपने आप ही करनी होगी। क्या करना होगा, आपका जो घर है उसके डोर के साइड में आपको या फिर डोर के सेंटर में आपको रंगोली बनानी होगी और जब स्कूल खुले तब आपको क्या करना होगा, क्लासरूम में रंगोली ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, टीचर विल अरेंज सम ऑब्जेक्ट्स इन अ फिक्स ऑर्डर एंड आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड आउट द पैटर्न इन इट। यहाँ पर तो उन्होंने पैटर्न कैसी दी है, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, लेकिन मैं आपको डिफरेंट टाइप की भी अरेंजमेंट दे सकती हूँ, तो वो आपको देखना होगा और उसका ऑर्डर, पैटर्न का जो ऑर्डर होगा वो याद रखना होगा और लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, टीचर विल हेल्प द स्टूडेंट टू मेक टेक टू स्टूडेंट टू टेक कटिंग ऑफ डिफरेंट पैटर्न फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड मैगजीन एंड पेस्ट देम नेटली इन स्केच बुक। यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, आपको स्केच बुक लेनी होगी, ओल्ड न्यूज़पेपर लेना होगा, सीजर लेनी होगी एंड गम यानी कि पेस्ट लेनी होगी। यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जिस तरह की पैटर्न बनानी, सपोज आपको पैटर्न बनानी है ट्रायंगल एंड सर्कल की, क्या करना है, ट्रायंगल एंड सर्कल की पैटर्न बनानी है तो क्या करना होगा, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे ट्रायंगल ड्रॉ करने होंगे और बाद में उसे कट करने होंगे, और दूसरा क्या करना होगा, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करने होंगे और उन्हें भी कट करना होगा, बाद में क्या करना होगा, आपको आपकी जो ब्लैंक पेपर वाली स्केचबुक होती है वो लेनी होगी और आपको पैटर्न बनानी है तो क्या करना होगा, कट जो ट्रायंगल है उसमें ग्लू लगाकर उसे पेज पे पेस्ट करना होगा, बाद में सर्कल पेस्ट करना होगा, देन ट्रायंगल, देन सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल। वैसे ही आप लोग आपके अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न बनानी हो वो आप लोग बना सकते हैं। अब आता है होमवर्क, लेट्स डू होमवर्क। एक्सरसाइज वन, कंप्लीट द एम्प्टी स्पेस इन द पैटर्न। यहाँ पर हमें जो ब्लैंक है उन ब्लैंक को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की पैटर्न दिखाई दे रही है उस टाइप की शेप में भी आप लोग न्यूज़पेपर को कट करके आपकी वर्कबुक, आपकी स्केचबुक हो है उसमें स्टिक कर सकते हैं एंड इस तरीके की पैटर्न भी आप लोग वहाँ पर बना सकते हैं। फर्स्ट है हेक्सागन, हार्ट, ट्रायंगल, हेक्सागन, तो यहाँ पर क्या आएगा, हार्ट, ट्रायंगल, देन क्या आएगा, हेक्सागन, हार्ट एंड यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। वैसे ही ये आपका होमवर्क है तो पूरी एक्सरसाइज आपको अपने आप ही करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंड द पैटर्न, यानी कि यहाँ पर जो भी पैटर्न दी गई है उसे आगे तक लेकर जाना है। यानी कि यहाँ पर है वन सर्कल, यहाँ टू, यहाँ पर थ्री सर्कल, यहाँ पर वन टू थ्री फोर सर्कल है, तो नेक्स्ट जो ब्लैंक बॉक्स होगा उसमें कितने सर्कल करने होंगे, फाइव।
देखिए कैसे, वन टू यहाँ पर थ्री फोर एंड फाइव, तो ये हो गई हमारी पैटर्न एक्सटेंड यानी कि कंप्लीट भी होती है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्या है, पुट राइट ऑन द ऑड नंबर ऑड वन इन द पैटर्न, यानी कि यहाँ पर पैटर्न दी गई है, उन पैटर्न में से कौन सा सबसे अलग है, डिफरेंट है, ऑड है, उसमें हमें क्या करना होगा, राइट मार्क करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या है, पेंटागॉन, ये भी पेंटागॉन है, लेकिन ये क्या है, हेक्सागॉन, तो यहाँ पर हमें हेक्सागॉन पे राइट मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर है, उसकी जो कली होती है यानी कि वो कितनी है, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर है वन टू थ्री फोर, यहाँ पर भी फोर है, तो कौन सा डिफरेंट हुआ, ये वाला, तो उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। तो ऐसे ही आपको अपने आप सारा होमवर्क कर लेना होगा। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।